जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और हम हैं मनोज वर्मा जी के साथ में, जिन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म बनाई है। बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वो अवार्ड हो रही है, भूलन द मेज। मनोज वर्मा जी का नाम छत्तीसगढ़ी फिल्मों में हम सब जानते हैं, एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। बैर किया आपने, उसके बाद महू दीवाना तहू दीवाना, टेटकू राम और दू लफाड़ू जैसी पिक्चर बनाने के बाद में एक उपन्यास पर आधारित द भूलन, छत्तीसगढ़ के फेमस राइटर हैं संजीव बख्शी जी, उनके उपन्यास पर ये फिल्म बनाई है। मनोज भाई, ये फिल्म बनाने का आइडिया कैसे आया आपको? देखिए, पहले जो हम फिल्म कर रहे थे वो ज़्यादातर मेन स्ट्रीम सिनेमा था, जिसमें एक कमर्शियल मूवीज़ की तरफ ज़्यादा दिमाग था। तो काफ़ी समय से मैं ऐसे एक सब्जेक्ट की खोज में था कि कोई ऐसा सब्जेक्ट मिले जिस पर हम ऐसी फिल्म बनाएं जो सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए ना हो, लेकिन छत्तीसगढ़ी संस्कृति में हो, छत्तीसगढ़ की चीज़ों को बता सके और राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सके। तो ऐसी फिल्म के लिए जब मैंने सब्जेक्ट सुना संजीव बख्शी जी से कि भूलन कांदा एक ऐसा पौधा होता है जिस पर आपका पैर पड़ जाए तो आप रास्ता भटक जाते हैं और तब तक होश में नहीं आते जब तक कोई आके आपको छूता नहीं है, ये अपने आप में विस्मित करने वाली बात है। सबसे पहले जब भी मैंने इस बात को बताया तो सब लोगों का प्रश्न होता है, क्या ये सही में होता है? और ये ऐसी किंवदंती भी है और कुछ लोग मानते हैं इस बात को तपेश जी कि ऐसा पौधा पाया जाता है। तो उसको लेकर के उन्होंने बड़ी एक सुंदर सी कहानी लिखी है, एक गांव की कहानी है जिसमें आदिवासियों की न्याय व्यवस्था, उनकी सामाजिक व्यवस्था और हमारी न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में क्या अंतर है। तो दो समाज के अंतरों पर यह कहानी चलती है जिसमें भरपूर कॉमेडी, भरपूर ह्यूमर के साथ में वो फिल्म बनी है और एक अलग दिशा में फिल्म को लेके जाती है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जो कल्चर है, जो खूबी है, उसको दिखाता है। भूलन जैसा पौधा तो कहीं पर होता नहीं, मुझे लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है, लोग मानते हैं जंगलों में, तो ऐसा भी कहा जाता है कि पूरी पूरी बारात उस जंगल में भटक चुकी है जहाँ पे भूलन है। तो ऐसा, लेकिन साइंटिफिकली अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिसने भूलन खून दिया तो वो बता ही नहीं पाएगा कि उसने खूंदा क्या था। अच्छा। जिसके कारण ये बात हुई। पौधा भी आपको देखने के लिए मिला, कहीं पर गए आप लोग उस जगह को तलाश करने की कोशिश की कि भूलन भी देखें हम लोग कैसा है? नहीं, हम लोग तलाश करने तो नहीं गए, क्योंकि लोग पहचानते नहीं है उस पौधे को, अगर जान जाएंगे तो वो खूंदेंगे क्यों। अच्छा, उसकी क्या खूबी है वो जानते वो अभी नहीं तक मालूम नहीं है। हाँ, वो ऐसा भूलन की कास्ट क्या क्या है, कौन कौन से कलाकारों ने इसमें काम किया है और क्या अच्छा लगा आपको फिल्म बनाने के समय में? देखिए, भूलन में बहुत सी विषम परिस्थितियों में हमने वैसे काम किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर से, दुर्ग से, भिलाई से, पूरे छत्तीसगढ़ से हमने आर्टिस्टों को लिया है और इसके साथ में चूँकि इसको राष्ट्रीय स्तर का एक पहचान देनी थी तो उसमें बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे, ओंकार दास मानिकपुरी, अनिमा पगारे, मुकेश तिवारी जी, राजेंद्र गुप्ता जी, अपने यहाँ के अशोक मिश्रा जी जो आजकल मुंबई में बड़ी फिल्में लिखते हैं, श्याम बेनेगल जी के लिए उन्होंने काफ़ी फिल्में लिखी हैं, वो इस फिल्म में एक अहम किरदार किए हैं। तो ऐसा करके छत्तीसगढ़ से संजय महानंद हैं, आशीष सेंद्रे हैं, सुरेश गुंडाले हैं, विक्रम हैं, बहुत से, हेमलाल है, सेवक यादव हैं, उपासना हैं, उर्वशी हैं, अपना उषा जी हैं, तो ऐसे इतने लोगों ने इसमें काम किया है कि बहुत कम लोग हैं जो बच गए हैं काम करने के लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी पहली फिल्मों में जितने लोगों ने काम किया मेरे ख्याल से वो सारों ने इसमें काम किया है। इसके अलावा फिल्म में जो कुछ बड़े नाम हैं, जिसमें जयंत देशमुख जी का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा कि वो मुंबई के एक बड़े आर्ट डायरेक्टर हैं और उन्होंने खुद हो करके मुझे इस फिल्म में आर्ट डायरेक्शन के लिए बोला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और बिना कोई पारिश्रमिक लिए उन्होंने यहाँ पे काम किया, ये उनको मैं साधुवाद देता हूँ। भूलन तो अभी मेज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड पाई है, और कितने फिल्म फेस्टिवल में इनको अवार्ड मिल चुका है अभी भूलन को? देखिए, भूलन को सबसे पहले हमने लगाया था कोलकाता के नेज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जहाँ उसे वर्ल्ड शोकेस सिनेमा अवार्ड से नवाजा गया। हालांकि हम कोई कंपटीशन में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्म देख करके, वहाँ स्टैंडिंग ओवेशन मिला आपको, खड़े होकर लोगों ने ताली बजाई। और वेस्ट बंगाल जैसी जगह में जहाँ लोग हिंदी ठीक से नहीं समझते, वहाँ पर छत्तीसगढ़ी फिल्म को इतना अच्छा प्रतिसाद मिला कि देख करके मन खुश हो गया। उसके बाद इसको कैलिफोर्निया में दो अवार्ड मिले, वहाँ पर अवार्ड ऑफ रिकग्निशन
जिसमें एक है इंडी फेस्ट फिल्म फेस्टिवल और दूसरा एकोलेट फिल्म फेस्टिवल। इसके अलावा इटली का एक है मेडेफ फिल्म फेस्टिवल, जिसको मेडिटेरेनियन फिल्म फेस्टिवल भी कहते हैं, वहाँ पे फिल्म ऑफिशियल सिलेक्शन में गई। और ये कल जो हुआ है यहाँ रायपुर में रिफ रायपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, यहाँ तो लोगों को बहुत पसंद आई फिल्म। मैं क्या बताऊँ, उनसे अगर आप पूछते तो शायद बेहतर होता, क्योंकि जिस तरीके से रिस्पॉन्स मुझे मिला है फिल्म का वो कमाल है। और क्या कहना चाहेंगे, कोई मन में ऐसी बात रहे कोई भूलन को लेकर कहना चाहते हो पब्लिक से, जनता से, लोग? देखिए, मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप ठान लें कि आप कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें रुकावट आनी चाहिए या रुकावट आएगी। बहुत सी तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन फिल्म अपने हिसाब से बढ़ती है, अपने हिसाब से चलती है। तो मेरा ये कहना है कि अच्छे सब्जेक्ट की खोज करें, कुछ अच्छा स्क्रिप्ट बढ़िया बना करके और फिर काम करें। पब्लिक को मैं ये बोलना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ी फिल्में ज़रूर देखें, उससे हमको बढ़ावा मिलता है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से जितना अच्छे से अच्छा सिनेमा हम दे सकें। हमारा प्रयास है कि हम अच्छी सी अच्छी चीज़ करें। कब आ रही है आपकी ये भूलन? भूलन जल्द आएगी, मेरे ख्याल में 2018 में रिलीज़ हो जाना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। कुछ और कह रहे थे, मैंने आपको साथ रुका भी। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस मैं यही बता रहा था। ये थे मनोज वर्मा जी, एक बार इनके लिए बधाइयाँ बहुत बहुत। छत्तीसगढ़ का नाम देश दुनिया में रोशन करने के लिए जो आपने कदम उठाया है, छत्तीसगढ़ी सिनेमा को खास तौर से बहुत लाभ होगा। इसके साथ में ही इनकी फिल्म का इंतज़ार कीजिए और ज़रूर टॉकीज पे देखिएगा। आपकी सराहना, आपका प्रेम, आपके दर्शन, आप जब दर्शक आएंगे फिल्म देखने के लिए तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का नाम बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि देश दुनिया में और एक बार स्थापित हुआ कि यहां पर भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, निर्देशक हैं, काम करने वाले हैं, फिल्म बनाने वाले हैं। जय जोहर। जय जोहर।